नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत हुई है पिछले 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी द्वारा। वो योजना है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत की शुरुआत क्यों करनी पड़ी, क्या उसका लक्ष्य है, उसके कंपोनेंट क्या हैं, घटक क्या हैं, और वो किस तरह के लोगों के लिए खास तौर पर लक्षित है, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी। मंत्री जी, आपका स्वागत। धन्यवाद जी, नमस्कार। और सबसे पहले हम यही, अब जो इंट्रोडक्शन में मैंने कहा अपना, कि आखिर इस योजना की शुरुआत की जरूरत क्या थी और क्या केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च करके, शुरू करके क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं? देखिए, देश में बहुत बड़ा तबका जो गरीबी से जूझ रहा है और अधिकांश लोग जो भीषण बीमारी के कारण जो रोग, बड़ी बड़ी बीमारियां, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज विशेष करके जी, या इस प्रकार की भयानक बीमारियां जब हो जाती है तो पूरा परिवार अपंग हो जाता है। यहां तक कि ज़मीन जायदाद, जेवर जेवरात बेच करके लोग अपना इलाज कराते हैं। तो मुझे लग रहा है कि और धीरे धीरे लोग गरीबी रेखा में भी से भी नीचे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का यह चिंता, उन्होंने चूँकि उनकी सरकार ही गरीबों की प्रति समर्पित सरकार बनी है, पहला ही दिन उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। और उन्होंने इसी उद्देश्य से कि हमारे जो 40% से भी ज़्यादा लोग जो गांव के गरीब, शहर के गरीब लोग हैं, हम उनको एक तो स्वस्थ बनाना, जब तक स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत नहीं होगा तब तक श्रेष्ठ भारत नहीं हो सकता। तो उनका लक्ष्य है कि हमें श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ेंगे और श्रेष्ठ भारत के लिए आयुष्मान भारत के रूप में उन्होंने ये योजना लाई है। आयुष्मान भारत जाके ताकि 2022 तक सभी स्वस्थ और स्वच्छ भारत के रूप में और स्वस्थ भारत के रूप में ये जाना जा सके। यूँ तो लक्ष्य है इसका 2022 तक ताकि दुनिया में अन्य जो प्रगतिशील देश जहाँ स्वास्थ्य के बारे में अधिक चिंता है, हम उस लक्ष्य को पहुँचना चाहते हैं। और हम उससे भी बड़ा लक्ष्य हमारा है कि हम पूरे भारत को कैसे स्वस्थ बना करके रख सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का। ये इतना बड़ा, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत अभी पिछले बजट सेशन में जो इसको हमारे विद्वान वित्त मंत्री जी श्री अरुण जेटली जी ने इसकी घोषणा की। आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत में दो प्रकार के विशेष रूप से महत्वपूर्ण दो कंपोनेंट हैं, दो प्रकार के आयाम हैं। एक तो है कि जो गरीब लोग, उनको हम कैसे स्वस्थ बना सकते हैं और उनके उपचार के लिए हम क्या उनको कर सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं। और उसके लिए विश्व में पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ये पहली ऐसी बड़ी योजना है जहां 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ से भी अधिक लोगों के लिए, यानी 40% लोगों को, अगर किसी को भगवान न करे कोई बीमारी भयानक हो, लेकिन जो रोग से पीड़ित हो जाते हैं रोगी, ऐसे त्रस्त परिवार को हम एक परिवार को 5 लाख रुपया, जो भी रोगी बीमार होंगे उनको हम बीमा के थ्रू उनके, मतलब कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हमने उसकी सुरक्षा की कैसे गारंटी हो सकती है। मंत्री जी, आप ट्रस्ट मोड में भी हो सकता है और बीमा के माध्यम से भी हो सकता है, उसकी पूरी तैयारी चल रही है विभाग में और स्वयं प्रधानमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग समय समय पर कर रहे हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी, और यह आम लोगों ने स्वीकार कर लिया कि सचमुच में उनकी जो ये चिंता है, ये हेल्थ केयर सुमो, पूरी तरह से हेल्थ केयर नमो केयर के रूप में लोगों ने माना। और ये नमो केयर सचमुच में प्रधानमंत्री जी की बहुत उत्कट अभिलाषा है कि हम जन जन को कैसे सुविधा पहुँचा सकें। अरे मंत्री जी, आपने अभी कहा कि दो तरह से ये सुविधाएं दी जाएंगी, एक तो फैक्चुअल होगा, दूसरा ये बीमा के रूप में, तो ये क्राइटेरिया क्या होगी, किस आधार पर लोगों का चयन किया जाएगा? देखिए, हम लोगों ने उसका पूरा अभी विभाग में काफ़ी फ्रेमवर्क बनाया है, उसके टोटल रोड मैप बन रहे हैं और उस दृष्टिकोण से लगातार तैयारी जारी है। तो मुख्य रूप से उसमें अब जो गरीब की परिभाषा हम जानते हैं, कुछ पहले से जो BPL कैटेगरी का है और कुछ राज्यों में और कुछ जगहों पर BPL नहीं बल्कि खाद्य से संबंधित जो अब जो सब्सिडी ले रहे हैं, तो ऐसे गरीब लोग, ये खास करके जो मध्यम वर्गीय में भी जो निम्न
मध्यम वर्गीय लोग हैं और गरीब लोग, जो खास करके ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने एक फ्रेमवर्क बना करके उसके लिए क्या कैसे चिन्हित कर सकते हैं, ताकि ये पूरा मतलब कहीं भी कोई क्वेश्चन मार्क ना रहे और किसी प्रकार की उसमें कोई कमियां ना दिखाई पड़े, तो पूरे बुलंद मतलब कहा जाए बारीकी के साथ और प्रधानमंत्री जी के हर निर्देश का पालन करते हुए जहां स्वास्थ्य मंत्रालय दिन रात इस काम में लगी हुई है और नीति आयोग भी बराबर परामर्श करके और एक अच्छा ठोस आयुष्मान भारत में जो ये मतलब सामाजिक लोगों की जो सुरक्षा की जो हमारी योजना है, आम लोग नागरिकों की सुरक्षा की योजना, तो उसको हम पूरी तरह से, और मुझे लगता है कि जल्द ही हम मई तक में इसको मई जून में बना करके और फिर प्रधानमंत्री जी से दिशा निर्देश लेकर के इसका, जब भी प्रधानमंत्री जी जल्द ही इसका कहा जाए विधिवत जनता को इसका लाभ मिलने लगेगा, इसमें बड़ी कोई दो मत नहीं। आपने भी कहा कि ये जो पहले से चले आ रहे हैं बीपीएल परिवार के लोग, ये 2011 की जनगणना पर ही अधिकांश है जी। तो नए लोगों को उसमें शामिल करना निश्चित रूप में कोई प्रोविजन किया गया है उसके लिए, कई प्रकार का हम लोगों ने बनाया है कि किस प्रकार से अब उसको ठोस रूप हम लोग दे रहे हैं, इसलिए बिना ठोस रूप दिए हुए उसको अभी तुरंत कह देना एक, लेकिन ये आपको मैं आश्वस्त कर सकता हूँ और पूरे देश की जनता को आपके माध्यम से, कि जो भी बंदा है, जो नए लोग 11 के बाद, चाहे वो जिस प्रकार की कोई गरीब लोग है, कोई छूटे नहीं, मतलब हमारा लक्ष्य है कि 40% जो देश के गरीब मतलब कि गरीब जनता है, वास्तविक लोग हैं, उनको इसका लाभ मिल पाए और निहित जो ऐसे लोग हैं गरीब लोग, उनको इसका लाभ मिल पाए और उसके लिए जो जो भी आयाम बन सकते हैं, उसके लिए जो भी चाहे मकान, घर, नौकरी, क्या परिवार की स्थिति है, वो सभी चीज़ों पर विचार विमर्श हो रहा है। सबको विचार करने के बाद तब तय होगा, मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरह से विचार विमर्श करके एक ठोस आधार पर हम पहुँच रहे हैं, जल्दी हम उस आधार को, मैंने कहा ना कि रोड मैप हमारा बन रहा है और जल्द ही तैयार होकर के जनता के सामने हम लाएंगे। एक महत्वपूर्ण घटक इस आयुष्मान भारत में है, ये पीपीपी मॉडल में सीएचसी का है, हेल्थ सेंटर्स का निर्माण या सामुदायिक। देखिए, एक तो आपकी जानकारी के लिए कि आयुष्मान भारत का एक कंपोनेंट तो मैंने ये बताया जी, कि एक आयाम ये है कि हम लोगों की सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, तो मतलब ये मतलब हेल्थ के संदर्भ में तो ये है ही, दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि गांव के अंतिम गांव में रहने वाला, वहां स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारे होते हैं, तो हम वेलनेस सेंटर के रूप में पूरे देश में 1.5 लाख लोगों का जो 1.5 लाख सेंटर है उपकेंद्र स्वास्थ्य का, उसको हम वेलनेस सेंटर यानी कि एक अच्छे पैमाने का स्वास्थ्य केंद्र को उन्नत सेंटर के रूप में हम विकसित करने जा रहे हैं और उसमें 12 प्रकार की दवाइयाँ, अभी एक दो दवाइयाँ इस प्रकार की रहती थी, लेकिन 12 प्रकार का हम सुविधा उसमें जनता को उपलब्ध कराएंगे, तो ये फेज वाइज होगा और 2022 तक का जो दवा के साथ साथ जांच की भी सुविधा वहाँ दी जाएगी। स्वाभाविक रूप से अभी जांच के बारे में छोटे मोटे जो जांच हैं वो भी हम उसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रकार से दवा आप जानते हैं कि पूरी तरह से देश के अंदर जो ये लागू होने जा रहा है, तो इस योजना को जमीन पर उतारना, 1.5 लाख केंद्र जो हमारे होंगे उसको वेलनेस है, यानी कि इलनेस भगाओ और वेलनेस लाओ, रोग मुक्त भारत कैसे बन सकता है, आरोग्य भारत कैसे बन सकता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यह सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है और उसी सोच के तहत हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, देश के अंदर ये दोनों योजनाएं, और उसके लिए जहां 2000 करोड़ रुपये हमने प्रावधान किया है आयुष्मान भारत के जो बजट सुरक्षा योजना में बजट में प्रोविजन किया है, वहीं 1200 करोड़ रुपया अभी बजट में प्रावधान किया है वेलनेस सेंटर के को इस फेज में इस साल के लिए, तो 2022 तक हमारा ये होना है, लेकिन उसमें पैसे की धन की कमी कभी नहीं आने देंगे। आप जानते हैं कि 3% शिक्षा में शेष लिए जाते हैं और इस बार हमारे बजट में 1% स्वास्थ्य के लिए भी दिया गया है कि भाई वो पैसे लेकर के गरीबों का स्वास्थ्य अच्छा रखो, जब तक गरीब और जो लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक ये भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बन सकता। अच्छा, एक चीज़ तो यह सोच जो है उसमें 1% में 11,000 करोड़ हमको शेष आएगा,
तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। इसमें राज्यों का भी कंट्रीब्यूशन तो होगा? हाँ, निश्चित रूप से राज्यों का भी 40% शायद राज्यों को, राज्यों को 40% उसमें कंट्रीब्यूट करना है। कुछ राज्यों को जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं या कुछ इस प्रकार के जो राज्य पहले से चिन्हित हैं, उन राज्यों को बहुत कम करना पड़ेगा, 10% हो सकता है उनके लिए करना पड़ेगा। तो एक मोटा मोटी केंद्र और राज्य के सरकार के सहयोग से ये बड़ी बृहद पैमाने पर ये योजना आगे बढ़ने वाली है। और इसके अलावा भी हम लोगों ने जो अब आप जानते हैं कि, और वो भी इस बार बजट में प्रावधान किया, टीबी जैसे बीमारी, अब टीबी मुक्त भारत बनाने का हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि 2025 तक देश के अंदर टीबी मुक्त भारत बने, और जैसे पोलियो मुक्त भारत हमारी सरकार ने बनाई, तो केंद्र सरकार का राज्यों के सहयोग से हम ये काम अमल करने वाले हैं। और इसमें आपकी जानकारी के लिए कि अभी तक जो टीबी के मरीज होते थे उनको जो दवाइयाँ दी जाती थी वो दवाइयाँ उनको असरदार नहीं होता था, इसलिए कि वो उनके पोषाहार की कमी के कारण वो दवाइयाँ उनके लिए सूट नहीं करता, अच्छा टीबी के पेशेंट को पोषण ज़्यादा चाहिए दवा, और टीबी पेशेंट के पोषण के लिए, पोषाहार के लिए हमारी सरकार ने इस बार 500 रुपया प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि हर व्यक्ति को 500 रुपया हर माह उनके पोषण के लिए देने का प्रावधान किया है। तो एक बहुत बड़ी योजना है और हम इन सब को एक अच्छा मान के चल रहे हैं। तो गांव हमारा स्वस्थ हो और स्वच्छ हो, स्वच्छ भारत हो, तो आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी का जो ये स्वच्छ भारत की ओर जो हम बढ़े हैं उससे बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। जहाँ घर घर में हम गाँव गाँव में शौचालय और स्वच्छता पर बल दे रहे हैं जिससे बीमारी कम हो, तो आधी बीमारी तो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम प्रिवेंटिव प्रोग्रेसिव मतलब जो हमारा नीति है केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य नीति है और समग्र नीति के साथ हम आयुर्वेद आयुष एलोपैथ को समग्रता के साथ स्वास्थ्य को हम किस अच्छे विधि से हम लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं, ये हमारी सरकार की सोच है। और इसी को हमने स्वास्थ्य नीति में, अटल जी का जो स्वास्थ्य नीति उन्होंने बनाया था, उसके बाद पिछले कई वर्षों से केंद्र की स्वास्थ्य नीति बनी नहीं थी, और 2017 का जो हमारा हमारी स्वास्थ्य नीति केंद्र सरकार की बनी है बहुत ही उपयोगी है। हमारे 3 वर्षों में हमारे नड्डा जी जो उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य को अच्छे आयाम पर पहुँचाने का काम किया है स्वास्थ्य मंत्री जी ने, हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बेहतर काम स्वास्थ्य विभाग से कर रहे हैं। इसमें हर गरीब हर लोगों को हम स्वास्थ्य सुलभता हो, चिकित्सा सुविधा कैसे उपलब्ध हो, दवाइयाँ कैसे सस्ती हो, तो सस्ता सुलभ और सर्व सुलभ कैसे स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सकता है, इसकी मुकम्मल व्यवस्था आयुष्मान चिकित्सा भारत, चिकित्सक आपके द्वार तभी होगा इस देश का उद्धार, इस कल्पना के साथ इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है मंत्री जी, आयुष्मान भारत के बारे में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आपका यह संदेश देश भर में जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद, नमस्कार।